डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा गोरखपुर रेलवे लाइन के बीच दौड़ रही थी, तभी अचानक 4 से 5 डब्बे ट्रेन की पटरी से नीचे उतर गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोगों की चीखे चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जहां हादसा हुआ उससे कुछ ही दूर ट्रैक पर काम चल रहा था, वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को कॉशन दिया गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस भी वहां से 634 किलोमीटर पर कॉशन लेकर निकली थी और रफ्तार पकड़ते ही पटरी से उतर गई। ट्रेन हादसे की बड़ी वजह क्या हो सकती है, आइए आपको ये बता देते हैं। रेलवे बोर्ड के एक्स मेंबर प्रदीप कुमार कहते हैं कि कभी कभार इंजन पर लगी मोटर नीचे गिरने से दुर्घटनाएं हो सकती है, जिससे ट्रेन की पटरी से उतरने की आशंका रहती है। हालांकि ऐसे मामले सामान्य तौर पर नहीं देखे जाते। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के मामले में लोको पायलट ने धमाके जैसी आवाज सुनी थी। हालांकि स्थानीय पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो आसपास कोई भी विस्फोटक जैसी चीज नहीं मिली, इसलिए मोटर गिरने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट मानते हैं कि जहां पर हादसा हुआ है वहां पर ट्रैक के आसपास पानी भरा है। कई बार पानी भरने की वजह से किसी पॉइंट पर ट्रैक कमजोर हो सकता है। रेलवे मैनुअल के अनुसार जब कहीं 20 से 30 किलोमीटर पर ट्रैक पर पानी भरा मिले तो एक रेलवे कर्मी पायलटिंग करते हुए ट्रेन के आगे चलता है और ट्रैक सेफ होने के बाद ही ट्रेन वहां से निकलती है। फिलहाल पूरा मामला तो सामने नहीं आ पाया है, रेलवे ने CRH जांच के आदेश दिए हैं। बता दें ये हादसा मोतीगंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत और 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने का ऐलान हुआ है। मौके पर पहुंचकर सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर CHC और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सकें। मनकापुर रेलवे स्टेशन पे हमने DRM से हमारी बात हो गई है। गोरखपुर में ट्रेन तैयार हो रही है, स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन, वो आएगी और यहाँ से ये जो यात्री आगे जा रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे, कटिहार जा रहे थे, जो आगे अपने जगह पे जा रहे थे उनको, हाँ उनको ये ट्रेन यहाँ पे लोड करके उनको अपने अपनी जगह पे पहुँचाया जाएगा। इस बीच रेलवे ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे के बीच इस लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस का रास्ता बदलकर मनकापुर अयोध्या बाराबंकी के रास्ते रवाना किया गया, साथ ही गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को भी मनकापुर अयोध्या और बाराबंकी के रास्ते चलाया जा रहा है।